एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली, तो ये उनका भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा ही था। 38 दिनों बाद 8 अप्रैल को कोवैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। देश की सरकार के मुखिया से लेकर खास आम को अब तक कोवैक्सीन के 4,54,00,000 से अधिक डोज लग चुके हैं। कोवैक्सीन डोज लगने के आंकड़े गिनाने का मकसद ये बताना है कि भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन पर WHO का भी भरोसा बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन का डेटा अच्छा है। सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोवैक्सीन की प्रभावशीलता काफी अच्छी है। डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावशीलता थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके सुरक्षा मानक WHO की कसौटी के मुताबिक हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन अच्छा डेटा दिखा रही है और फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कार्यरत साबित हो रही है। कोवैक्सीन पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी देखे गए हैं। 60% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, लेकिन एफिकेसी अभी भी अच्छे लेवल पर है। इसका ये मतलब है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थोड़ी बहुत एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे सकती है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का इंतजार है। 23 जून को कोवैक्सीन निर्माताओं की WHO के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली थी, तब इसके अंतिम चरण के ट्रायल चल ही रहे थे। ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाने की कोशिश हुई थी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर DCGI की मंजूरी कोवैक्सीन के तमाम पहलुओं को परखने के बाद ही दी गई थी। अभी पिछले हफ्ते कोवैक्सीन का फाइनल डेटा आ गया है। तीसरे चरण में कोरोना के खिलाफ इसकी संपूर्ण प्रभावशीलता 77.8% आकी गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 65.2% प्रभावकारी है। वैक्सीन एक बढ़िया वैक्सीन है, जिनके phase 3 ट्रायल अभी पब्लिश हुआ है और हम मानते हैं कि बहुत जल्द ये WHO का अप्रूवल मिल जाए इनका। कोवैक्सीन का ओवरऑल प्रोटेक्शन है 78% और सीवियर डिजीज से, गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है 93%, 93% प्रोटेक्शन हमें मिलता है। और इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलने के लिए 2 डोज की जरूरत है और 2 डोज लेने से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ये वैक्सीन से। अब अगर कोवैक्सीन को WHO की हरी झंडी मिलती है, तो ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि कोवैक्सीन को इजाजत देने वाले ईरान, नेपाल, मेक्सिको, गुयाना, पैराग्वे, मॉरिशस और फिलीपींस जैसे देशों को भी सौगात मिलेगी। भारत में बने कोविशील्ड को नानुकुर के बाद ही सही, लेकिन यूरोप के अधिकतर देशों ने ट्रैवल का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगर WHO कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है, तो कोवैक्सीन के लिए भी ग्रीन पासपोर्ट हासिल करना आसान होगा। अभी तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन WHO की तरफ से नहीं मिली है। इस वजह से इस वैक्सीन का एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। जो ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर, जो सफर करना चाहते हैं देश के बाहर, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है। लेकिन इस बयान से ये देखा जा सकता है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डेटा को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और जल्द ही इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाएगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक।